नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सैयम है और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रोटेक्निक के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है ये टिंकरकैड सीरीज का ही सेकंड वीडियो है। सो आज हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें हम लोग एक आर्डिनो और एक एलईडी को लेकर हम लोग काम करेंगे। नाउ उस एलईडी को हम लोग एक सेकेंड ऑन और एक सेकेंड ऑफ करके हमारी कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग जो है वो टिंकरकैड सर्किट्स पे कैसे होती है ये चीज़ जानेंगे। सो चलिए जानते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे होती है और इस पे प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तो ऐसी कुछ भी प्रैक्टिकल करने के लिए आपको यहाँ पे टिंकरकैड सर्किट पर लॉगिन करना है और यहाँ पे अपना जो है अकाउंट बनाने के बाद यहाँ क्रिएट न्यू सर्किट पे क्लिक करना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना अकाउंट जो है वो बना लिया होगा एंड इससे पहले आपने एक इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैंने बनाया है वो भी देख लिया होगा ताकि आपको ये पता हो कि यहाँ पे कौन से सेक्शन क्या बोला जाता है और वो कैसे काम करता है। सो अगर नहीं देखा है तो अभी पहले वो इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लीजिए, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखी है। सो आगे बढ़ते हैं। सो ये चीज़ करने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो यहाँ पे मेन इंटरफेस पे आना है। हम सबसे पहले इधर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे हम लोग जो है वो अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। लेट्स से मैंने एलईडी वन नाम से जो है वो नाम दे दिया है अपने प्रोजेक्ट को। नाउ आर्डिनो जो है और ये जो कंपोनेंट्स है वो हम लोग यहाँ पे सेक्शन में से लेंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है आर्डिनो यूनो बोर्ड एंड देन उसके बाद एक एलईडी और एलईडी के साथ ऑब्वियसली एक रजिस्टर लगेगा तो मैंने वो भी यहाँ पे ले लिया। नाउ अब मुझे ये जो है ये कनेक्शन करने हैं आर्डिनो के साथ। दोस्तों आर्डिनो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दो सेक्शन होते हैं, एक होता है डिजिटल साइड और एक होता है एनालॉग साइड, ठीक है, और यहाँ पे होता है पावर सेक्शन। तो मुझे एलईडी के साथ क्या काम कराना है ये डिपेंड करता है कि एलईडी जो है वो कहाँ कनेक्ट होगी, ठीक है। तो एलईडी के साथ मुझे अभी एक सिंपल सा काम कराना है कि एलईडी को एक सेकंड ऑन और एक सेकंड ऑफ कराना है। और इस ये जो चीज़ है ये चीज़ मुझे कंटिन्यूसली कराना है। तो अभी अगर आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पे दो सेक्शन है डिजिटल और एनालॉग, तो ये जो चीज़ है ये डिजिटल साइड पे कनेक्ट होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि डिजिटल साइड जो है वो हमेशा दो ही स्टेट में डील करती है, मींस दो ही तरीके में काम करती है, या तो ऑन या तो ऑफ, या तो फिर उसको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोला जाए तो हाई और लो, सिंपल। तो अगर आपको कोई भी ऐसा कंपोनेंट है आपको जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने प्रैक्टिकल में जो कि सिंपल दो ही स्टेट में आपको काम कराना है, हाई और लो या तो फिर ऑन और ऑफ, तो ऐसी चीज़ों को आप डिजिटल साइड पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं इस एलईडी को जो है वो अपने डिजिटल साइड पे कनेक्ट करता हूँ। नाउ सबसे पहले जो है अगर आप लोगों को ये पता होगा वैसे तो कि एलईडी जो है वो एलईडी का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे जब मैं कर्सर ले जाता हूँ तो मुझे एनोड और कैथोड नाम से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिखता है। तो एनोड मींस पॉजिटिव और कैथोड मींस नेगेटिव। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एनोड जो है एनोड मींस पॉजिटिव साइड को मैं अपने रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दूँगा। तो ये करने के लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना है और इस वायर अपने आप यहाँ पर मैंशन हो जाता है और उससे रजिस्टर के टर्मिनल को कनेक्ट कर देना, ठीक है। नाउ रजिस्टर का टर्मिनल जो है वो मुझे किसी भी डिजिटल पिन पे कनेक्ट करना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे 9 नंबर के पिन पे इसे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जो कनेक्शन है ये पॉजिटिव साइड का हो चुका है। नाउ कैथोड मींस नेगेटिव और नेगेटिव साइड को मैं कनेक्ट करूँगा यहाँ पे ग्राउंड पे। तो ये मैंने जो कनेक्ट है यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। नाउ अब जो है वो इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं कि ब्लैक मीन्स नेगेटिव और रेड मीन्स जो है वो पॉजिटिव, ठीक है। रजिस्टर की वैल्यू जो है वो अभी फ़िलहाल 1 किलो ओम है, तो मैं यहाँ पे जाके इसे क्लिक करके इसे चेंज कर देता हूँ और इसे कर देता हूँ 220 ओम। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। एलईडी का कलर मैंने अभी रेड रखा है, आप चाहें तो यहाँ पे येलो, ग्रीन, ब्लू कुछ भी रख सकते हैं। सो लेट्स से हम लोग येलो रख लेते हैं, फाइन। तो ये हमारा बेसिक सेटअप हो चुका है। नाउ अब बढ़ते हैं आगे प्रोग्रामिंग की तरफ। तो हम जाएंगे यहाँ पे कोड सेक्शन में। नाउ यहाँ पे जो भी कोड है वो हम इसे हटा देंगे अभी फ़िलहाल के लिए। नाउ आप समझते हैं कि उसकी कोडिंग कैसे होती है। तो दोस्तों कोडिंग सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो आप कुछ 6 ब्लॉक्स यहाँ पे ब्लॉक एरियाज दिखते हैं। तो अभी हम फिलहाल एलईडी से जो है वो एलईडी एक आउटपुट डिवाइस है, एलईडी से हम लोग आउटपुट लेते हैं कि आर्डिनो जो है वो एलईडी को ग्लो करता है वोल्टेज प्रोवाइड करके। तो ये जो चीज़ है ये आउटपुट सेक्शन का पार्ट है, इसलिए हम आउटपुट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको ढेर सारे ब्लॉक्स दिखेंगे, तो हमारा जो काम है वो है इस सेकेंड नंबर वाले ब्लॉक से, सेट पिन वाले ब्लॉक से।
तो सेट पिन हम लोग ब्लॉक जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ले आएंगे। देन यहाँ पे जो है हमें पिन नंबर सिलेक्ट करना है, जिस भी पिन नंबर पे हमने आर्डिनो को कनेक्ट, हमारी एलईडी को कनेक्ट कर रखा है आर्डिनो से। तो ये जो चीज़ है ये हम लोग ने 9 नंबर के पिन पे कनेक्ट किया है, तो इसलिए हम लोग लेंगे 9, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, चूँकि डिजिटल है मैंने अभी मेंशन किया कि हाई और लो पे काम करता है, हाई मींस ऑन और लो मींस ऑफ। तो सबसे पहले हम लोग एलईडी को ऑन रखेंगे एक सेकेंड, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाई सिलेक्ट किया। देन यहाँ पे कंट्रोल सेक्शन में जाकर मैं लूँगा टाइम वाला ब्लॉक, तो इसके नाम ये वेट नाम से ये ब्लॉक होता है, एक सेकेंड के लिए ऑन रखना है, तो यहाँ पे हम लोग एक सेकेंड बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड है उसे वही रहने देंगे। देन अगेन जाएंगे आउटपुट पे और वापस से सेट पिन ब्लॉक लेंगे, अगेन सेलेक्ट करेंगे पिन नंबर 9 और इस बार सेलेक्ट करेंगे हम लो, क्योंकि एलईडी को ऑफ करना है उसके बाद ऑन करने के बाद। अगेन जाएंगे कंट्रोल सेक्शन में और यहाँ से जाकर वेट ब्लॉक लेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर देंगे। तो इस तरीके से मेरा जो ये छोटा सा कोड है ये रेडी हो चुका है। हम इसे टेस्ट कर लेते कि ये सही है या नहीं। तो जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं तो ये देखिए मेरी एलईडी जो है वो एक सेकेंड ऑन और एक सेकेंड ऑफ हो रही है, तो मेरा कोड प्रॉपरली वर्क कर रहा है। नाउ ये तो हो गया यहाँ पे ब्लॉक लेवल कोडिंग, अब चलते हैं टेक्स्ट कोडिंग की तरफ कि टेक्स्ट कोडिंग जो है वो कैसे काम करती है वो भी जान लेते हैं, ताकि आप कभी जब आर्डिनो सॉफ्टवेयर में इसे टाइप करें तो आपको कोई दिक्कत ना जाए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा आई होप सो कि वॉइड सेटअप और वॉइड लूप जो है जब भी हम आर्डिनो की प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये दो चीज़ें हमें ज़रूर देखने को मिलती है और हमेशा ये रहती ही है आर्डिनो की कोडिंग में। तो वॉइड सेटअप नाम से समझ में आता है कि सेटअप करना है यहाँ पे, मींस अगर हमने जो भी यहाँ पे कंपोनेंट्स लिए हैं, अभी हमारे केस में हमने एलईडी ली है, तो हमें यहाँ बताना होगा कि एलईडी जो है वो कौन से पिन नंबर पे कनेक्ट की है और वो कैसे ट्रीट हो रही है इनपुट या आउटपुट के फॉर्म में। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पिन मोड, ठीक है, ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं पिन मोड। फिर हम लोग ब्रैकेट में यहाँ पे लिखते हैं कौन सी पिन पे हमने कनेक्ट किया है वो यहाँ मेंशन करते हैं, तो अभी हमने 9 नंबर के पिन पे कनेक्ट किया है, ये इनपुट है आउटपुट है, तो इसको हम लोग ब्लॉक लेटर्स में कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं आउटपुट, फाइन। देन उसके बाद यहाँ पे जो है हम लोग करली ये हमारा सेमी कॉलन लगा देते हैं, सॉरी। देन उसके बाद वॉइड लूप में हम लोग आते हैं, क्योंकि हमें इसे बार बार रन करना है, तो इसलिए हम लोग लूप में आते हैं। लूप में हम लोग को जब हमने डिजिटल साइड पे कनेक्ट किया है इसलिए डिजिटल राइट लिखते हैं, ठीक है। देन ब्रैकेट लगाने के बाद 9 वही वाली 9 नंबर के पिन कॉमा और ऑन रखने के लिए हम लोग लिखते हैं हाई, फिर ब्रैकेट बंद और फिर अगेन सेमी कॉलन। सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी होता है, इससे आर्डिनो को ये पता पड़ता है कि ये इंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। ये वैसा ही सेम काम है जैसा कि आप इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं, या हिंदी में कोई वाक्य लिखते हैं तो आप पूर्ण विराम लगाते हैं, तो ये वैसा ही है। देन उसके बाद टाइम देने के लिए यहाँ पे लिखा जाता है डिले, और ये जो है आर्डिनो की प्रोग्रामिंग मिली सेकेंड्स में काम करती है, तो इसलिए हम लोग एक सेकेंड को मैंशन करने के लिए 1000 मिली सेकेंड्स यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं। देन अगेन एलईडी को ऑन किया है तो एलईडी को ऑफ करने के लिए डिजिटल राइट 9 कॉमा इस बार लो लिखेंगे एंड देन यहाँ पे सेमी कॉलन, फिर वापस से डिले 1000। तो इस तरीके से हम लोग हमारे जो टेक्स्ट पेज फॉर्म है उसको इस तरीके से इस कोड को लिखा जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये सब चीज़ें, और स्टार्ट सिमुलेशन करते हैं तो ये देखिए ये वैसा का वैसे ही काम कर रहा है। एक चीज़ और, अगर आपने सिर्फ ब्लॉक लेवल प्रोग्रामिंग सीखी है और आप सिर्फ ब्लॉक लेवल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे कोड को, तो आपका आर्डिनो के सॉफ्टवेयर के में जो आप कोड लिखते हैं वैसा का वैसा ही कोड डाउनलोड होगा। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप टेक्स्ट बेस्ड कोड नहीं सीखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ से ब्लॉक लेवल प्रोग्रामिंग करके और इसे डाउनलोड कर लीजिए, फाइन। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा। आने वाले वीडियो में हम लोग और ढेर सारी LEDs और ढेर सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके और जानेंगे आर्डिनो की प्रोग्रामिंग। इस वीडियो के लिए इतना ही, कोई अगर आपको क्वेश्चन है क्वेरी है तो कमेंट में मेंशन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।